बोलो बोलो। हाँ जी, बाप जो आते हैं स्वर्गति नहीं हुई, इनकी भी स्वर्गति नहीं हुई, माने ब्रह्मा की, उनकी भी स्वर्गति नहीं हुई, उनकी माना जो दूर है, सन्मुख नहीं है। हाँ जी, तो तुम बच्चों की सदगति होती है, तुम बच्चों की जो सन्मुख होते हैं उनकी सदगति होती है, जो बाप के सन्मुख रहते हैं। तो ब्रह्मा की सदगति क्यों नहीं हुई? सदगति इसलिए नहीं कहेंगे कि सदगति होती है शरीर के द्वारा, उनका शरीर खलास हो गया, सदगति सदगति हुई नहीं। इस जन्म में सदगति होती है क्या? ब्रह्मा की इस जन्म में सदगति नहीं हुई, कब हुई? अगले जन्म में जाके सदगति कहेंगे, वो तो सभी आत्माओं की होती है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की एक जन्म के लिए सदगति नहीं होती क्या? उनकी भी होती है, तो असल में उसको सदगति नहीं कहेंगे। सदगति वो कहेंगे जो शरीर के रहते हुए भी सच्ची गति हो जाए, वो तो झूठी गति हो गई, शरीर ही छूट गया, फिर पढ़ाई का फायदा क्या हुआ? पढ़ाई हम यहाँ पढ़े हैं तो प्राप्ति कहाँ करनी चाहिए? प्राप्ति भी यहीं करनी चाहिए। और एक सौ आठ आत्मा है मधुबन में, एक साथ प्रत्येक होंगी क्या है? एक साथ प्रत्येक होंगी क्या? बाप उनको प्रोटेक्ट कराएंगे अपने अपने कर्मों से, अपनी चलन से, अपनी वाचा से, अपनी दृष्टि और वृत्ति से अपने को प्रत्यक्ष करेंगे, और अपने वर्ग के बीच में पहले प्रत्यक्ष करेंगे या सारी दुनिया में पहले प्रत्यक्ष करेंगे? उनको प्रत्यक्ष करने वाले जो भी होंगे वो उनके अपने वर्ग वाले होंगे या पहले बाहर वाली दुनिया वाले होंगे? इस्लाम धर्म का मणका होगा, इस्लाम धर्म का बीज होगा, तो जो ज्यादा नजदीकी रहे होंगे जन्म जन्मांतर वो प्रत्यक्ष करेंगे या सूर्यवंशी प्रत्यक्ष करेंगे या बाप प्रत्यक्ष करेगा? जो नजदीकी होंगे वो प्रत्यक्ष करेंगे। बच्चा पैदा होता है परिवार में पैदा होता है, परिवार वाले ढोर मजीरा मंगाते हैं, बजाओ भाई बच्चा पैदा हुआ, ऐसे ही है। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। बाबा पहले पहले नजदीकी आत्माएं बनती है दो है? पहले पहले नजदीकी आत्माएं बनती है दो भगवान की, तो इधर तो भगवान कहा गया सुप्रीम शक्ति भी अजीत साकार सब रत्न आते। भगवान का अर्थ क्या है? भाग्यवान को ही भगवान कहा जाता है, जो बिंदु है वो भाग्य बनाता है अपना है, उसे भाग्यवान कहे नहीं? वो बिंदु जिस साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसके द्वारा भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। और तो पहले पहले जो नजदीकी आत्मा दो बनते हैं वो है राम और कृष्ण, तो राम पहले पहले कहाँ बनती है? राम और कृष्ण अगर दो नजदीकी आत्माएं हैं वो पहले बनती हैं, तो पहले पहले उनका प्रत्यक्षता भी होनी चाहिए, इसी जन्म में होनी चाहिए अगले जन्म में? कृष्ण की आत्मा श्रेष्ठ या कृष्ण की आत्मा को जन्म देने वाले श्रेष्ठ? जन्म देने वाले श्रेष्ठ हुए, तो जन्म देने वालों की क्वालिटी ऊंची हो गई और जन्म लेने वालों की क्वालिटी बाद वाली हो गई, वो सेकंड डायनेस्टी हो गई। बताया कि पहले पहले नजदीकी बनते दो वो है राम और कृष्ण, उसके बाद बनते सीता और राधा। कृष्ण वाली आत्मा जो है वो ब्रह्मा सो क्या बनती है? ब्रह्मा सो विष्णु बनती है, तो विष्णु रूप में वो नजदीकी है।
वैसे भी शक्ति के रूप में नजदीकी है। वैसे भी शक्ति कोई है या नहीं है संगम युग में? त्रिमूर्ति में कौन दिखाया है? शंकर दिखाया है और नीचे विष्णु दिखाया है। विष्णु के दो रूप दिखाए जाते हैं, एक पुरुष रूप में महानारायण के रूप में और एक स्त्री रूप में महानारायणी के रूप में। तो जो महानारायणी का रूप है वो भी तो विष्णु है। और तो इसका मतलब जो शकुंतल की जो भाषण में आकर पार्ट बजत है तो वो है राम बजाता हूँ, तो राम ही अपना पहला ही करता है, अपने को ही मदद करता है। तो बताया राम और कृष्ण पहले अपने भगवान को मदद करते हैं, तो उसमें खुद राम ही अपने को मदद करते हैं, ऐसे है क्या? अपनी मदद तो हर आत्मा अपने लिए करती है, कोई किसी को मदद नहीं करता। जो जितना श्रीमत पर चलता है उसको स्वतः ही मदद मिल जाती है। भगवान की मदद से कोई ऊपर नीचे पद नहीं पाता। भगवान किसी को ऊंचा उठा देता हो, किसी को नीचे गिरा देता हो, ऐसे तो है नहीं। और भगवान आते हैं तो क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं। राधा कृष्ण का जो जन्म होगा सतयुग में, उनको भगवान भगवती का कोटिका कहेंगे, उनको भगवान भगवती नहीं कहेंगे। जो संगम युग स्वर्णिम युग है उसमें सब भगवान भगवती की प्रजा सारी क्या है? यथा राजा तथा प्रजा, सब भाग्यवान है। और जो अंत में श्रोधर प्रसिद्ध है उसके साथ जो विदास का टाइम हो जाएगा उसमें प्रसिद्ध में है कि ऐसे गुण है जो जिनको आपस जाना पड़े, जिनको आपस जाना पड़े परम धाम, वो फिर भी वो लिस्ट में आते हमारी गिनती किया जाता है श्रोधर साथ में। यहाँ अगर 16,108 की लिस्ट में नहीं आएंगे तो सतयुग त्रेता में आकर के प्रिंस प्रिंसेस कैसे बनेंगे? तो आएंगे तो। हाँ हाँ, तो जो जाने वाले आपको जाने वाले हैं जो आत्मा है वो ऐसे कुछ सदगुरु निंदक छोड़ न पाए कि कर्म ऐसे किए हैं वो आपन चलेंगे, मतलब उसका एक समझने की बात है कि सदगुरु की निंदा कौन से ग्रुप ने कराई होगी? सूर्यवंशियों ने कराई होगी या चंद्रवंशी इस्लामवंशी बौद्धिवंशियों ने कराई होगी या किसने कराई होगी? दूसरे वंश वालों ने कराई होगी। जो ठेठ चंद्रवंशी अपने धर्म के पक्के हैं, जो ठेठ इस्लामवंशी अपने धर्म के पक्के हैं, बौद्धिवंशी अपने धर्म के पक्के हैं, मोल्डिंग पावर नहीं है। सिर्फ मोल्डिंग पावर है उन चंद्रवंशियों में जिन्होंने सिर्फ ब्रह्मा को फॉलो किया है और मुरली को फॉलो किया है, उसे कहा जाता है विजयमाला। वो बेसिक नॉलेज में चलने वालों में ढेर सारे हैं, हर धर्म के हैं, लेकिन उनमें सिर्फ 10% ऐसे हैं जो असल चंद्रवंशी है। वो अपने को मोल्ड कर लेते हैं एडवांस ज्ञान लेने के बाद, मोल्ड कर लेते हैं इसलिए सूर्यवंशी बन जाते हैं। गलती भी करें और गलती करने के बाद झुके भी नहीं तो सूर्यवंशी बनेंगे कैसे? बनेंगे ब्रह्मा के रूप में है? तीस साल ब्रह्मा, 30-35 साल ब्रह्मा के, हाँ, और 30 साल शंकर के रूप में, हाँ, तो जो 60 साल विशेष जो पाठ है तो 2006 में पूरा हुआ, हाँ, इसीलिए 2006 में विष्णु पाठ का प्रत्यक्ष हुई, हाँ,
2006 में विष्णु पाठ प्रत्यक्ष हो गए। कौन प्रत्यक्ष हो गए? विष्णु पाठ। विष्णु पाठ प्रत्यक्ष हो गया? कहाँ प्रत्यक्ष हो गया? प्रत्यक्ष होगा वो मुझे बोला। हाँ वो ठीक है, प्रत्यक्ष होना चाहिए तो जरूर उसका फाउंडेशन पड़ा होगा। हर चीज का फाउंडेशन कौन सी माला में है? दुनिया की जो भी चीजें हैं उन सब के बीज कहाँ हैं? रुद्रमाला में। तो रुद्रमाला में कोई विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली भी आत्मा होगी या नहीं होगी? कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा ठेठ चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी के भी गुण है? हैं? तो चंद्रवंशी की मिखुया है तो कौन है? सेकंड नंबर देव है क्या? हाँ, अष्टदेवों में तो जो सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर तो सूर्यवंशी हुआ। सूर्यवंशियों का ही मुखिया हुआ। फिर सेकंड नंबर किसका मुखिया हुआ? चंद्रवंश का। चंद्रवंश का मुखिया होते हुए भी आखिरी जन्म में चंद्रवंश के प्रभाव में आने के बावजूद भी वो 83 जन्म किसको फॉलो करता है? सूर्यवंश को। आठों ही सूर्यवंश को फॉलो करने वाले हैं, सूर्य को फॉलो करने वाले हैं। सिर्फ अंतिम जन्म में जाकर अलग अलग धर्मों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो आखिरी जन्म में जाकर के वो गुण धर्म के स्वभाव रह जाते हैं, इसलिए वो चंद्रवंश का भी बीज है। और हाँ, जो सूर्यवंश का जो पहला जोड़ा है पुरुष तोला है स्त्री तोला है? अष्टदेव का जो पहला जोड़ा है एक पुरुष तोला और एक स्त्री तोला। हाँ, और इसी तरह द्वितीय नंबर और तीसरे नंबर एक पुरुष और स्त्री तोला हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मुख्य बात तो स्वभाव संस्कार की है। यहाँ तो सब रुद्रमाला के मणके आपस में क्या है? भाई भाई है। अगर चलो चोला भी बदल जाए तो भी क्या है? हाँ, भाई बहन है। भाई बहन का भाव है तो भाई बहन है बाबा। हाँ, जो राम कृष्ण और सीताराधा जो चार आत्मा है, तो भगवान के जितने मददगार बनते दुनिया में इतना कोई नहीं बन पाते। भगवान के इतना मददगार बनते हैं। हाँ, तो और कोई नहीं बन पाते। तो हमको जरा क्लियर हुआ कि राम कृष्ण मतलब राम है सजनता ब्रह्मा, और कृष्ण मतलब जो वैष्णव जी दो, और जो सीता राधा जो दो आत्मा वो कौन कौन है? सीताएं तुम सब नंबरवार हो। क्या बोला? तुम सब सीताएं हो। अव्वल नंबर सीता कौन? अव्वल नंबर सीता जगदम्बा। तुम सब सीताएं हो, ये नहीं कहा तुम सब राधाएं हो। कहा क्या? नहीं, तुम सब द्रौपदियां हो। तो जब राम सीता कहा जाता है तो फेलियर के अर्थ में कहा जाता है। यज्ञ के आदि में फेल हुए, आत्मा को सीता कहा जाता है ना। आत्माएं क्या है? हैं? आत्माएं सब सात सीताएं हैं। और परमात्मा? परमात्मा राम है। उन सीताओं में भी शास्त्रों में दो कैटेगरीज कर दी। एक सीता है जिसको रावण ले गया, पंचतत्व की बनाई हुई, और एक सीता को योगाग्नि में निवास करा दिया। तो जो योगाग्नि में निवास करा दिया वो ही विजयमाला की मुखिया है। उसको रावण नहीं ले जा सका। Thank you.
और क्लियर नहीं हुआ है, जो चार आत्मा राम और कृष्ण और जो सीता राधा, बता दिया ना, जो सीता को रावण नहीं ले जा सका वो राधा की कोटि की हो गई, और जिसको रावण ले गया वो हो गई सीता। सीता माना ठंडे, शीत। सीता का जन्म कहाँ से हुआ था? पृथ्वी से। तो पृथ्वी माता ही सीता है, वही जगत जननी है। बाबा जो द्वापर के अंत में जो विनाश होगा, जो विनाश होगा छोटा सा विनाश, उस टाइम छोटा सा नहीं आधा विनाश होगा, आधा विनाश उस टाइम पृथ्वी से कुछ हिस्सा बिछड़ कर चंद्र बन जाएगा, चंद्रमा बनेगा, उसका उपग्रह होकर उसके चारों तरफ घूरेगा। हाँ जी, उससे पहले चंद्र उसके साथ क्या मिलकर होगा क्या है? उसके साथ पृथ्वी के साथ चंद्रमा मिलकर होगा क्या उससे पहले? जो प्रशांत महासागर है इतना गहरा है कि उसकी आज तक कोई थाह भी नहीं ले पाया। सागर की थाह किसी ने ले नहीं पाई, कोई वैज्ञानिक ने भी नहीं ले पाई। आज भी चंद्रमा में बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं जो दूरबीन से देखे जाते हैं। क्या यादगार कैसे दिखाई देता है? यादगार तो है चंद्रमा, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना चंद्रमा पर देवताएं निवास करते हैं। चंद्रमा चैतन्य में प्रैक्टिकल में नहीं है, वो जड़ चंद्रमा भी है, वो आके इसमें डूब जाएगा। हाँ, पृथ्वी से मिलकर एक हो जाएगा। सत्यु के आदमी, अरे ब्रह्मा से विष्णु बनेगा कि नहीं बनेगा? ये ब्रह्मा अलग रहेगा, जड़ में भी हो जाएंगे। जब चैतन्य में स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होंगे तो जड़ में भी स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो जाएंगे। और ये तो नहीं कहा कंप्लीट हो गया, ये कहा कि अष्टदेवों के नंबर जल्दी जल्दी डिक्लेयर होते जाएंगे। अभी जैसे 70 साल लग गए ऐसे नहीं, जल्दी जल्दी काम होगा। पॉइंट है, बाप का धंधा क्या है? पति को पागल बनाना है। तो बाप का धंधा वही है तो बच्चों का धंधा भी वही है। बच्चों का धंधा पतितों को पावन बनाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके से जो तरीका बाप का है वो बच्चों का भी तरीका है। इसके लिए कह दिया शंकर को फॉलो नहीं करना है, बाप है शंकर के रूप में। क्या शंकर जो पार्ट बजाता है वो पार्ट कर्मों में फॉलो बच्चों को नहीं करना है। किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है। आधी बात ज्ञान की याद रहती है और देह अभिमान के कारण आधी बात भूल जाती है। जो नवा रत्न है और जो हर धर्म के जो 12-12 ग्रुप है उसका सब हेड है क्या? हेड नहीं है, पूर्वज हैं। हेड तो रतन कहे जाते हैं, जो पूर्वज हैं वो अष्टदेव कहे जाते हैं। कोई नवरत्न है? नवरत्न कौन हो गया? हर धर्म के हेड है क्या? नवा रतन आर्य समाजियों का हेड है, वो सूर्यवंशी नहीं होता है। आठवां रतन सिखों का हेड है, वो सूर्यवंशी नहीं होता है। जो अष्टदेव हैं वो सूर्यवंशी होते हैं, लेकिन सब धर्मों के पूर्वज हैं। हर धर्म की शुरुआत में पहले उनका जन्म होता है, उनकी प्रत्यक्षता होती है, उनको फॉलो करते हैं हर धर्म के लोग।
चाहे कोई धर्म का मुखिया ही क्यों न हो, वो किसको फॉलो करेगा? अपने अष्टदेव को फॉलो करेगा। और पृथ्वी की परिधि, हाँ, वायुमंडल, जहाँ सूरज चांद सितारे हैं, जिस स्पेस में, स्पेस में जहाँ सूरज चांद सितारे हैं वही स्पेस है। वो दूर है पृथ्वी का, वायुमंडल पृथ्वी की ज्यादा नजदीक है, स्पेस दूर है। और मूल्य जो निकल के आए हैं तो टोटल कितना मूल्य है? टोटल कितना मूल्य निकलती है? और ब्रह्मा के द्वारा जो मूल्य चलती है 68 तक, तो डायरेक्ट बाप मूल्य डायरेक्ट चलाते हैं या कराची से निकलती हुई मूल्य पढ़ कर के सुनाती है? कराची से जो निकली उस समय कापियां नहीं निकाली जाती थी, क्योंकि बच्चे सब इकट्ठे रहते थे, बाहर कहीं आना जाना नहीं होता था, इसलिए उसकी कापियां नहीं निकाली जाती थी। जब से माउंट आबू आए और बच्चों को इधर उधर भेजा जाने लगा ईश्वरीय सेवा के लिए, तो उनको वाणी की जरूरत होने लगी, इसलिए उसकी कापियां निकाली जाने लगी। और सुबह शाम लगातार वाणी चलाते थे। और में जो जितने भाई बहन है उनके साथ शराबी हो रही है, मैं इतना थोड़ा जोर से बोलो तो सब सुने। बेसिक में जो जितने भाई बहन है, हाँ, सेवा करने से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते अभी सुनने। जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उन जिनको प्यास नहीं है उनको क्यों सुनाना? उनको संदेश दे दिया, आगे बढ़ो। जो इंटरेस्ट लेते हैं उनको सुनाओ, बार बार सुनाओ। और वहाँ लौकिक जो है, जो आत्मा है लौकिक में, हाँ, उनको कैसे सेवा, हाँ, उनको कैसे सेवा किया? लौकिक दुनिया में भी जो स्वतः ही हमारे पास आ जाते हैं सुनने के लिए कि हमको भी सुनाओ क्या बात है, तो जरूर है वो हमारे पूर्व जन्म के संगी साथी हैं, इसलिए तो उनके अंदर नजदीक आने की इच्छा होती है, तो उनको सुनाना चाहिए। जैसे वैश्विक वाले करते हैं, हम ऐसे प्रोग्राम करके सुना सकते हैं? वैश्विक भाई बहन जैसे करते हैं बीके वाले, हाँ, जैसे एक एक गांव में जाता है, हाँ, जाके वो सब बुला के एक मीटिंग करके हमारे सुनाते हैं, हाँ, आप क्या कर सकते हैं? प्रजा बनाना ज्यादा तीसरी सेवा है या राजा बनाने की ज्यादा सी सेवा है? हमारा राजयोग है या प्रजा योग है? तो बीके वालों ने प्रजा बनाई है या राजा ने बनाई है? कमेंट करते हैं, कमेंट करते हैं कि तुम हमारे पीछे पड़े हो। हमारे पीछे पड़े हो, ठीक है, हम पीछे पड़े हैं, हमारा बाप पीछे पड़ा है, हमारा कुनवा गोता पीछे पड़ा है, अभी तो नहीं पड़े पीछे पड़ा है, लेकिन आगे चल के पता चलेगा कौन किसके पीछे पड़ा है। मुरली में बोला है राधा चंद्रवंशी कृष्ण सूर्यवंशी, सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशी राधा के यहाँ जा न सके, तो वो तो जाएगा नहीं, आखिर चंद्रवंशी राधा को ही आना पड़ता है, तो चंद्रवंशी राधा आएगी तो चंद्रवंशी में और दूसरी नहीं आवेंगी क्या? फिर कौन किसके पीछे पड़ेगा? वही पॉइंट तो उनको थोड़ा ये दर्द हो रहा है, हैं?
वही पॉइंट उसको थोड़ा दर्द हो रहा है कि रानी बनाने के लिए। भारतवर्ष में भक्ति मार्ग में जब शादियां होती हैं तो दो पक्ष होते हैं, एक कन्या पक्ष और एक वर पक्ष। ज्यादा पावरफुल पक्ष कौन सा होता है? वर पक्ष। तो कौन किसके पीछे पड़ता है? कन्या पक्ष वाले वर पक्ष के पीछे पड़ते हैं। हमको पीछे पड़ने की क्या दरकार? तुम्हें प्यास लगी हो पानी पियो, नहीं प्यास लगी हो छोड़ दो, हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर वाला कौन से धर्म में जाके गिरेगा? इस्लाम धर्म में जाके गिरेगा। इस्लाम धर्म की क्या विशेषता होती है जो और धर्म में नहीं है? उनमें ये विशेषता होती है कि वो अपने धर्म के बड़े पक्के और कट्टर होते हैं। इस्लाम धर्म वाले कायदे कानून के कट्टर होते हैं, हिलने डुलने वाले नहीं होते हैं, ज्यादा दिमाग भी नहीं चलाते। जैसे जज होता है ना, तो जज संविधान में क्या लिखा है, कानून क्या कहता है, इतना ही देखेगा और कानून के अनुसार फैसला दे देगा। कठोर पार्ट होता है ना। और दादा 2018 के बाद 18 में कृष्ण का जन्म होगा और उससे पहले माँ बाप का शरीर जो कंचन का बनना चाहिए, निरोगी काया बननी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो कब से शुरू होगा? एक ही साथ से घट से हो। निरोगी कंचन काया बनती ही तब है जब पांच तत्वों की देह से आत्मा डिटैच होना अनुभव करना शुरू कर दे। जब तक आत्मा डिटैच नहीं हुई है तब तक अतीन्द्रिय सुख नहीं भोग सकती। अठारह से पहले तो जरूर होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, क्यों सक आ रहा है क्या? नहीं, एक दो साल या तीन साल, वो फिक्स नहीं बताया जाता लेकिन अप्रोक्सीमेट बताया। जो प्रक्रिया है उसी साथ या धीरे धीरे जो कंटन गया बनने का? एक साथ कोई चीज होती है? हैं? हैं? प्रोसीजर भी है, सांप का भी प्रोसीजर धीरे धीरे चलता है, ये एकदम हो जाता है, कैंसिल त्याग देता है। तो सांप जब काल पड़ता है तो एक ही साथ छोड़ देता है ना? एक साथ एकदम छोड़ देता है क्या? सांप भी तीन चार बार कैंसिल त्यागता है। खैर वो तो बुद्धि का परिवर्तन होने की बात है। चार आयामों में, चार युगों की शूटिंग में चार आयाम होते हैं, बुद्धि का परिवर्तन हुआ, ऐसे ही शरीर का परिवर्तन में भी चार आयाम होंगे। और सतयुग में तुम तो आपस में भाई बहन थे, भाई बहन थे सतयुग में आपस में, तो और कोई दूसरा संबंध नहीं थे? नहीं। तो बच्चा बच्ची कैसे हो जाओ? बच्चा बच्ची कैसे होगा? बच्चा बच्ची कैसे पैदा होंगे? क्यों भाई बहन बन के पैदा नहीं होते? कोई आज की दुनिया में युगल बच्चे पैदा नहीं होते क्या? ट्विंस बच्चे पैदा नहीं होते? फिर क्या चिंता लग रही है? अरे कौन सी चिंता सता रही भाई? हैं? कैसे हैं? संभव है कि कैसे होगी भाई बहन है उनमें शादी कैसे होगी? भाई बहन में शादी कैसे होगी? वो कोई खून का रिश्ता है क्या? हैं? वो खून का रिश्ता होता है क्या? विनाशी देह का रिश्ता होता है क्या?
ब्रष्ट इंद्रियों का रिश्ता होता है नहीं होता है? श्रेष्ठ इंद्रियों का रिश्ता होता है, जैसे भाई बहन आपस में एक दूसरे को स्नेह से देखते हैं, ऐसे वहाँ रिश्ता होता है भाई बहन का। और जिनमें देह अभिमान होता है ना, वो फिर क्या ज्ञान सुनाते हो भाई बहन में, आप पति पत्नी बन जाएंगे, ऐसे कहीं होता है? ऐसे देवी देवता बनने से क्या फायदा? अंदर देवान भरा हुआ है इसलिए इस तरह की बात पैदा होती है। देवताओं में तो देवान का नाम निशान नहीं होता है, भ्रष्ट इंद्रियों का कोई आकर्षण ही नहीं होता है। नहीं सारा दुनिया मानेगी कब बाबा? अरे दुनिया जाएगी सतयुग में, एक और एक 11 निकल गए, दुनिया के पीछे चलने वाले हो है? दुनिया मानेगी तब हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। और हवा मुझे में आया हुआ है, बाप से बरसा मिलता है, प्रजा पिता को ठीक है मिलता है, जगदम्बा सरस्वती से ठीक है इसे मिलता है, सारी बातें ठीक है। मतलब बाबा क्या मतलब यही है कि अब राज किसका आने वाला है? अभी बेसिक में ब्राह्मणों की दुनिया में राज आया था माया का, पहले मायापति भगवान, फिर बाद में माया का राज आया, तो वो इतना लंबा चौड़ा नहीं फैला। लेकिन अब जो राज आने वाला है एडवांस का, एडवांस में बीज रूप शक्तियों का, वो सारी दुनिया को लपेट में लेगा। तो उस समय जगदम्बा के द्वारा कंट्रोलिंग पावर आएगी या नहीं आएगी? आएगी है, तो जगदम्बा द्वारा बच्चों को मिलता है। क्योंकि कड़वा होता है ना, ब्रह्मा कैसा होता है, मीठा होता है कि कड़वा होता है? ब्रह्मा मीठा होता है। बांसुरी दिखाते हैं उसको यादगार में, किसको? कृष्ण को और राम को, ठीक है ठीक है, बाण दिखाते हैं, तो कोई बाण की बात है या सच्चाई की बात है? तुम सच्ची बात बोलते हो तो उनको जैसे मिर्ची लगती है, क्यों बोला मुरली में? ये सच्ची बात है वो कड़वी लगती है झूठे लोगों को, इसलिए नीम का पेड़ दिखाते हैं। हाँ। जितना ज्यादा जैसे सको, बनाते समय, काटते समय, खाते समय, जितना संग का रंग लगा सको। जो आंखें दिखाते हैं गोल गोल दिखाते हैं, और जो बलभद्र और सुभद्रा के आंखें जो है वो लंबे लंबे दिखाते हैं। धर्मराज कौन है उनमें? हैं? ब्रह्मा धर्मराज है, किसके द्वारा है धर्मराज? फिर रावण की भी आंखें कैसी कैसी दिखाते हैं, लंबी लंबी दिखाते हैं गोल दिखाते हैं है? नहीं गोल आंखें दिखाते हैं। राम ही क्या बनता है, राम ही रावण बनता है, आखिरी ना और कोई में 100% रावण की बनने की ताकत ही नहीं है। और कोणार्क मंदिर में जो भी गंगा चित्र है तो उनकी पूजा नहीं होती है, और जगन्नाथ मंदिर में भी कोई के गंगा चित्र भी है बड़ा बड़ा, तो पूजा क्यों होती है? कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर कहा जाता है,
और जगन्नाथ मंदिर जो है वो सारे जगत का नाथ है, सारे जगत को अपने पक्ष में ले लेता है जब पूज्य बन जाता है तब। कोणार्क के मंदिर में जो भी मूर्तियां जिनकी पूजा नहीं होती है वो बाहर रखी हुई है, बाहर रखी हुई है माने स्वर्ग के अंदर नहीं है। उनकी यादगार है तप कर राज, राज कर नरका। शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। ये रुद्रमाला के मण के हट्टी स्वभाव के सहज ही अपना स्वभाव संस्कार नहीं छोड़ पाते। इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन और चंद्रवंशी जल्दी से अपना स्वभाव संस्कार नहीं छोड़ेंगे, बार बार तपस्या करेंगे, बार बार संसार में धक्के खाएंगे, लास्ट में जाकर के स्वर्ग में ऐड हो जाएंगे। तब तक बुद्धि योग से सहयोग देते रहेंगे। हाँ दूर से आना पड़ता है, दूर से आना पड़ता है। तो नजदीक मकान मकान ले लो है, माना जल्दी छुट्टी होनी चाहिए। चलो भाई जल्दी छुट्टी हो जाती है, टाइम हो गया।
श्रीमत पर न चलने वाला होगा तो अर्पण नहीं है। बात क्या कहना चाहते हो, पूरी बात तो करो। ये कि बाबा ने बोला है जो भी कन्या सरेंडर हो गई भले कागज पत्र से तो वो भी 16,000 के लिस्ट में चले जाते बाबा ने कहा। बाबा तो जिम्मेवारी लेता है। हाँ, तो उनको सरेंडर करने वाले जो मात पिता है क्या वो भी उस लिस्ट में जाते हैं? वो नहीं, ये कोई राय से तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। मना यहाँ तो लिमिट नहीं हुई है 16,000 की। और बाबा का पॉइंट है कि मैं कल्प पहले मिशन कल्प 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 के संदर्भ मुझे आता हूँ तो ये शूटिंग पेड़ में किस तरह लागू नहीं। तीन बार कल्प बोला तो शूटिंग पे तीन बार कल्प कब होगा? हर युग की शूटिंग होती है तो एक कल्प होता ना बाबा? तो हर युग की शूटिंग में एक बार प्रत्यक्षता हो जाती है। सतयुग की शूटिंग हुई 76 में पूरी तो प्रत्यक्षता हो गई। 87-88 में शूटिंग होती है तो 88 में शूटिंग पूरी होते ही एडवांस पार्टी में 9 कन्याएं सरेंडर हो जाती है, परिवर्तन हो गया। ऐसे ही द्वापर युग की शूटिंग पूरी होती है तो द्वापर युग की शूटिंग होते ही द्वापर में कितना जन्म दिखाया भगवान का, कृष्ण का जन्म दिखाया। ऐसे ही कलयुग की शूटिंग होती है। लेकिन बाबा ऐसे युग की शूटिंग है ना, हर युग में 4 अवस्थाएं होती है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है तो युग 4 अवस्थाओं से पसार नहीं होता होगा। और ऐसा नहीं हो सकता, बड़े साल 4 प्रकार का युग चलता रहे, मगर अपनी स्टेज उसी समान रहे, एक ही स्टेज पकड़ के रहे। हाँ, चाहिए और 100% याद में रहने वाला भी चाहिए, नहीं तो क्यों बोला बोली में? तुम बच्चे 82-83 जन्म भी सुख में रहते हो, कोई होते होंगे ना। अगर शिव जितने प्रवेश किए वो 100% याद में रहते हैं। औरों के मुकाबले शिव का संग जिसको 100% लगता होगा उसकी अवस्था जरूर अच्छी होती होगी। इसे जिम्मेवारी बन जाती है शिव की। फिर तो बाबा उनकी 4 अवस्था स्टेज नहीं जानी चाहिए, 4 अवस्था जो आप बोल रहे हो। हाँ, तो वो स्टेज में वो नहीं, क्या नहीं जाना चाहिए? जब वो क्यू समान स्टेज को पकड़ लेते 100%, सब पकड़ लेते वो तो वो ही करें। तो बच्चों की अवस्था एक जैसी है, बच्चों को साथ लिए बगैर चला जाएगा क्या? तो बच्चों की अवस्था एक जैसी है नहीं पुरुषार्थ की, और बच्चों को साथ लिए बगैर जाएगा नहीं क्योंकि बाप की जिम्मेवारी है। तो बच्चों का संग का रंग जब तक लगता रहेगा तब तक अवस्था ऊपर नीचे होगी या नहीं होगी? है होगी, ये तो अलौकिक बाप है, लौकिक दुनिया का बाप थोड़ा ही है। आपने तो कहा है कि संगम पर 3 बाप पहुंचे कहते ब्रह्म कुमारी, इसका तो भले लौकिक भी अलौकिक वो भी चला गया, अभी वो पारलौकिक को बिंदी को लेके बैठे और एडवांस में है तो 3 बाप मौजूद है त्रिमूर्ति सिंह के रूप में, लौकिक भी अलौकिक भी और पारलौकिक भी, जबकि वो बाप टीचर सदगुरु के रूप में। आप पकड़ गया है और वो सदाशिव है। सदाशिव है, सदाशिव जो आप कहते हो ना वो तो सदा कल्याणकारी है। सदा, अरे बाप तो सदा कल्याणकारी है, बच्चे भी सदा कल्याणकारी है। ये नंबर वार है तो नंबर वार बच्चों को संग लेके नहीं चलना है। अरे ये संबंध होते हैं, बाप का संबंध है, पत्नी का संबंध है, पुत्र का संबंध है,
तो जो संबंध होते हैं वो निभाने के आधार पर संबंध बनते हैं या सिर्फ संबंध होने से संबंध की सत्या ही साबित हो जाती है? निभाना तो चाहिए ना। तो जो बाप का संबंध है वो बाप नहीं निभाएगा दुनिया में तो और कौन निभाएगा? और वो भी अलौकिक और पारलौकिक बाप कहा जाता है। तो बच्चों को साथ लेके जाएगा या बीच में एक आपको छोड़ के चला जाएगा? साथ लेके जाएगा तो बच्चों को संग का रंग भी लगेगा। डायरेक्शन मिल रहा है? ये तो डायरेक्शन तब दिया जाए जब वो साथ लेके जाने ना वाला हो। वो तो खुद ही कहता है मैं तुम बच्चों को साथ रहूंगा, साथ चलूंगा, साथ लेके जाऊंगा। तो डायरेक्शन देने की बात है ही नहीं। सत्तर वर्ष बाप ने बच्चों का अलबेलापन और वो सब देखा तो भले 50 साल ही थे तो बाबा ये 70 साल और 50 साल ऐसा बहानेबाजी है जो भी है। तो बाबा ने फिर इमीडिएट बोला कि भले 50 साल ही सही, ये 70 साल और 50 साल में फिर बाबा डिग्रेड यानी क्यों ऐसा बोल रहे कि 20 साल कम क्यों कर दिया, भले 50 साल ही सही ऐसा नहीं बोला। बेसिक वाले भी तो बाबा की नजर में मौजूद है ना, उनको छोड़ फेरो जी है। बाबा भक्ति मार्ग में होती है नौधा भक्ति और ज्ञान मार्ग में होता है नौधा याद। ये नौधा याद क्या है बाबा? नौ प्रकार की याद। ये तो मुकर्रर रथ में ही याद करने वाले हैं, कुछ तो होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। दूसरे ऐसे हैं एक मुकर्रर रथ से उनकी संतुष्टि नहीं है, कोई दूसरा भी होना चाहिए। तो चंद्रवंश का मुखिया भी पकड़ लेंगे, ब्रह्मा भी चाहिए। बल मुरली में बोला एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, लेकिन उनकी बुद्धि में ये बात जचेगी नहीं। ये तो हो गए देवी देवता सनातन धर्म वाले, प्रवृत्ति मार्ग वाले। बाकी ऐसों का भी हुजूम है जो दो से संतुष्ट नहीं होते, उन्हें और भी चाहिए। इस्लाम धर्म वाले होंगे तो कहेंगे भले माता पिता तो सही है लेकिन तीसरा भी चाहिए। ऐसे नंबर वार है। वो याद का रूप व्यभिचारी बनता जाता है और नौधा याद बन जाती है। नौ धर्म के मुखिया हैं तो नौ प्रकार की याद हो जाती है। बाबा उमरा दे मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा आते हो गए ब्रह्मा होगा तो छुट्टी भाई के बाद एक विरोधी बन गए बाबा बनने वाले। एक एक विरोधी बन गए बाबा बनने वाले। फिर यहाँ भी जब 97-96 से जगदम्बा अलग हो गई तभी से यहाँ भी बाबा बनने वाले हो गए। तो भाभी बनने वाले ऐसी कोई बने नहीं क्या? क्यों नहीं बनती? क्यों भाभी बुझाई नहीं बनती है? वो अपने आप विरोधी नहीं प्रत्यक्ष कर दिए बाप के विरोधी प्रत्यक्ष कहा गया। जो पटरानियां वो विरोधी साबित नहीं होती है? अगर पटरानियां विरोधी साबित न हो तो पटराजा कुछ कर ही नहीं सकते, उनमें ताकत ही नहीं है विरोध करें। सन 97 से ही जिस व्यक्ति के द्वारा विरोध ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में साबित हुआ उसमें भी फोर्स कब आया? कोई होगी तभी तो उसमें ताकत आएगी। अभी भी जो बाबा बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी पटराने का कोई सहयोग, उनको भी कोई ताकत देने वाली होती है? हृदय में कई ऐसे पॉइंट्स है ब्रह्मा के बारे में कि ब्रह्मा को देख करके सभी गूंज जाते हैं। फिर दूसरे मुरली में आया कि ब्रह्मा को देखकर सबका माथा ही खराब हो जाता है। और तीसरे मुरली में आया कि ब्रह्मा को कोई जानते ही नहीं है। इसका क्या मतलब है? माना ओरिजिनल जो दादा लेखराज ब्रह्मा है उसको कोई असली रूप में नहीं जानते हैं। ब्रह्मा को मारे भी नहीं जानते?
हाँ, जो असली ब्रह्मा है उसको ब्रह्मकुमारियां भी नहीं जानती। वो तो टाइटनधारी ब्रह्मा था ना। और बाबा मुरली में बोला है कि जिनका उंच पार्ट होता है उनकी कभी हत्या नहीं होती करके बोला। हत्या नहीं होती उनकी ना, वो हत्या करते हैं ना, उनकी हत्या होती है और ना उनकी हत्या होती है। हत्या माना युद्ध भूमि में हत्या हो जाए वो एक हत्या नहीं कही जाती, वो शहीद होना कहा जाता है। शादी में कहा गया थे सजा पते की लाश भी गुम कर दी थी, बात क्या है? लाश गुम कर दी तो वो तो सबका बीज है ना। वो एक ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो, तो वो तो सबका ही बाप है। भूत पे तो वो बाप नहीं है, उनका भी बाप है। बाबा टैली करने के आधार पे बाबा ने ब्रह्मा बाबा को गांधी जी के साथ टैली किया है। भगत सिंह जो है बाबा उनको राम वाली आत्मा के साथ टैली किया जा सकता है? हाँ जी, राम वाली आत्मा के साथ टैली किया जा सकता है। नहीं, क्योंकि आखिर में वो भी नास्तिकता को ही अपना दिए थे और उनका भी जो था गरम दली था। कर सकते हैं गरम दल का मुखिया तो सुभाष चंद्र बोस था। बहुत दल थे ना बाबा, उसमें से एक भगत सिंह ने अपने ओर से जो लड़ाई की थी और वो गांधी के तत्वों के खिलाफ भी थे। ठीक है, गर्मी थी, नौजवान खून था, लेकिन भगत सिंह की शहीद होना उसके पीछे लक्ष्य था। लक्ष्य ये नहीं था कि हम गर्म ही रहे, लक्ष्य ये था कि ढेर सारे निकल पड़े शहीद होने के लिए, जो भारत का कल्याण हो जाए। बाबा सक्रिय है, गांधी जी के विरोधी भी नहीं थे, शुरुआती विरोधी नहीं थे। हाँ जी, लेकिन बाद में जब उनकी जो अहिंसा का मार्ग है उसको न पसंद करके उन्होंने उस मार्ग को अपनाया। अहिंसा को अहिंसा को मार्ग को वो अहिंसा नहीं कहते जो बौद्धियों के अहिंसा है। हाँ जी, तो इसे गांधी जी की अहिंसा में बौद्धिपना भी भरा हुआ है। तो इस आधार पे टैली किया जा सकता है बाबा भगत सिंह को राम वाली आत्मा के साथ? भगत सिंह वाली आत्मा ने जन्म लिया उस समय सिख धर्म में। सिख धर्म? हाँ जी, तो टैली कैसे करेंगे? लेकिन उस सिखपन को मानता नहीं था बाबा, उन्होंने आखिर में नास्तिकवादी को ही अपना। न मानने से कुछ होता नहीं है, लेकिन जन्म लेने से साबित हो गया कि वो मानता था, प्रभावित था सिखों से, लेकिन जन्म होता ही नहीं। बाकी उनके तत्वों को तो टैली किया जा सकता है। ऐसे तो बहुत है। नहीं बाबा, प्रश्न ये इसीलिए पूछा गया। ऐसे बहुत आत्माएं हैं जो राम वाली आत्मा को फॉलो करने वाली साबित होती है, लेकिन हर तरीके से नहीं। दो ही तो है मुख्य, या तो राम या तो कृष्ण। नहीं बाबा, इसीलिए क्योंकि भगत सिंह को जिस दिन फांसी देने वाले थे गांधी जी के कहने पर उसको पहले दिन फांसी देकर उसकी लाश को गुम कर दिया था, तो क्या ये यहाँ पर आधार बनता है क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में आदि ने जब बताया कि बाप का लाश भी गुम कर दिया तो उसमें कहीं ना कहीं ब्रह्मा बाबा का हाथ था। लाश गुम करने के लिए? हाँ, ये नहीं कहा जा सकता। तो एक अनुमान की बात हो गई कि ब्रह्मा बाबा के कहने से या ब्रह्मा बाबा के इशारे से भगत सिंह था, लेकिन उनको अंदाजा था कि ये होने वाला है और उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने अपने आप को ही उन्होंने भगवान समझ लिया था ना। भगवान समझ लिया होता तो फिर रघुपति राजा और राजा राम की रट क्यों लगाते? वो तो सिर्फ रटते हैं ना बाबा,
अरे जी में तो बात यही बैठी है कि अंशियों में माने ये समझते थे राम कोई हुआ ही नहीं। नहीं लेकिन जब बात हुई कि पूरा दल ने ब्रह्मा को सपोर्ट दिया तो ब्रह्मा बाबा को ये तो महसूस हुआ होगा ना कि ये अकेला खड़ा है तो जरूर भगवान में ही, क्योंकि आखिर में तो बाबा ने बोला है कि गुरु अपने आप से गुरु नहीं बनते, उनको गुरु बनाने वाले ये चेले होते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को भी ब्रह्मा ही भगवान है ये मानने के लिए मजबूर किया होगा उन्हीं चेलों ने। ये तो बात कहीं सुनी नहीं, यही तो ब्रह्मा ने दादा वो गांधी जी ने अपने भगवान अपने को कभी भगवान साबित किया? गांधी जी ने भगवान नहीं साबित किया लेकिन देहरत का जो गांधी जी है बाबा के गांधी जी वो तो अपने आप को भगवान ही समझते थे, आज भी समझते हैं। नहीं वो साबित तो हो जाता है कि वो बिंदु को भगवान समझते थे, किसी साकार को अपने मुकाबले भगवान उन्होंने नहीं माना, उनकी बुद्धि में ये बात नहीं थी कि मेरे मुकाबले कोई साकार भी हो सकता है जो भगवान का स्वरूप हो सकता है। जब सेवक राम तो उन्होंने ज्योति बिंदु शिव को ही भगवान माना जो कि वास्तव में साबित नहीं होता। शिव ने जिनका आधार लिया था सेवक राम उनको भी उन्होंने नहीं माना था। हाँ ठीक है भगवान ठीक है नहीं मानो, उसके बाद उन्होंने अपने आप को ही तो भगवान माना था, शिव मुझ में प्रवेश करता है और मैं ही भगवान। दुनिया में साकार स्वरूप में किसी को भगवान नहीं मानते तो इस आधार पे सेवक राम की जो लाश घूम करने का जो हुआ था उन बच्चों ने जो भी षड्यंत्र रचाया था उस षड्यंत्र में कहीं ना कहीं तक्कों में उनका साथ था क्या? परसेंटेज नहीं थे पता होगा क्योंकि ये साबित होता है कि जब झगड़ा शुरू हुआ था ओम मंडली और विरोधी पार्टी में तो बाबा के तो ब्रह्मा बाबा के झगड़े के संस्कार थे नहीं, वो तो पहले ही छोड़ के भाग गए थे। लड़ाई बच्चों को लड़नी पड़ी थी और बाबा छोड़ के भाग गए कराची के बंगले में तो हो सकता है उन्हें न मालूम हो। लेकिन बच्चे तो उस समय बहुत छोटे छोटे थे ना बाबा, छोटे छोटे थे अगर लौकिक बच्चे थे छोटे छोटे उम्र से छोटे थे उनका ना उम्र से छोटे थे, उम्र से छोटे हो तो लौकिक दुनिया की तरीके से बच्चे मारे जाए क्योंकि मेजोरिटी जितने भी थे कन्या माता ही थी सरेंडर। हाँ जी उनसे ये कर्म होना ये तो भाई भी थे ऐसे नहीं कि थे ही नहीं, लेकिन भाई तो गिने चुने थे ना। हाँ थोड़े भाई थे लेकिन माताएं भी थी बड़े बड़े घराने की थी। बाबा राम सीमन प्रभात मोरे मन इसका क्या अर्थ है? अमर तो पहले ब्रह्मा भगवान राम को याद करो टाइम हो गया Yeah.